चिंतामणि दीन नियुक्ति पत्र 10 लाख युवाओं को मिलेगा रोजगार, कहा सरकारी विभाग में रिक्तियां भरी जाएंगी। लफ्जियात के बढ़ते मामलों पर सीएम की चेतावनी, कहा देवभूमि में कानून व्यवस्था से किसी को भी नहीं करने दिया जाएगा खिलवाड़, कानून तोड़ने पर होगी सख्त कार्रवाई। स्वास्थ्य विभाग में आपसी खींचतान, कर्मचारियों ने लगा उत्पीड़न का आरोप, वेतन और पदोन्नति बनी मुसीबत। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ श्रावणी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। चमोली जिले के जोशीमठ पहुंचने पर विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भूषण ने जगतगुरु वासुदेवानंद सरस्वती महाराज ज्योतिष पीठाधीश्वर बद्रिकाश्रम से आशीर्वाद लिया। इसके साथ ही विधानसभा अध्यक्ष ने नरसिंह मंदिर में दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। इसके बाद उन्होंने बद्रीनाथ धाम के लिए प्रस्थान किया। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष ने चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को उपलब्ध की जा रही व्यवस्थाओं की जमकर तारीफ की और सरकार का धन्यवाद भी किया। पहुंची हूँ, यात्री यहाँ पहुंचे हैं, सुविधाएं ठीक ठाक है, समिति और सरकार और पुलिस सब लोग चुस्त दुरुस्त है, बहुत बढ़िया तरीके से दर्शन हो रहे हैं लोगों के और मैं सभी को कहूंगी आइए और बद्रीनाथ। मध्य प्रदेश की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या अल्मोड़ा दौरे पर है, जहां पहुंचने पर उन्होंने महा जनसंपर्क अभियान में भागीदारी की। साथ ही इस मौके पर रेखा आर्या ने मीडिया से वार्ता करते हुए कहा है कि प्रदेश सरकार द्वारा गरीबों को लेकर पूरे प्रदेश में अनेक योजनाएं चलाई जा रही है और आने वाले समय में गरीब परिवारों को हर प्रकार की योजनाओं का लाभ मिले, इसके लिए सरकार लगातार कार्य कर रही है। प्रदेश में सरकार के लगातार ये कोशिश है कि गरीबों के कल्याण के दिशा में हर प्रकार की योजना को धरातल पर उतारना। यदि मैं बात करती हूँ हमारे विभाग की, खाद्य विभाग की, तो आज बहुत ही महत्वपूर्ण योजना जो कि NFSA के अंतर्गत, जिसमें हम गरीब कल्याण अन्न योजना की बात करते हैं, जो कि कोविड पीरियड से लेकर लगातार जिसकी समयावधि करते हुए मुफ्त में राशन, गेहूँ और चावल जो कि दिया जा रहा था, उसको अब परिवर्तित करते हुए अब हमारे NFSA के जो हमारे कार्ड धारक है, जिसमें हमारे अंत्योदय परिवार है। तो बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं उत्तराखंड की सह प्रभारी रेखा वर्मा और केंद्र रक्षा राज्य मंत्री केंद्र रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट आज हल्द्वानी पहुंचे। यहां पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने भाजपा के महाजनसंपर्क अभियान के बारे में जानकारी दी और पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा कि इस जनसंपर्क अभियान में भाजपा का प्रत्येक कार्यकर्ता डोर टू डोर जनसंपर्क करेगा। वहीं इस दौरान सहप्रभारी रेखा वर्मा से जब पूछा गया कि 2000 के नोट बंद करने का फैसला सरकार द्वारा क्यों लिया गया, तो वे हंसने लगी और सवाल को टालने की कोशिश करने लगी, पर मीडिया के सामने वह केवल इतना कहकर बच निकली कि यह फैसला सरकार ने कुछ सोच कर ही लिया होगा, इसका फायदा ही होगा और दूरगामी परिणाम सामने आएंगे। समर्थन महासंपर्क अभियान में हमको मिल रहा है। आज पूरे देश में इसी तरह जैसे प्रेस यहाँ पर भी अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग दिवस पर हमारे बड़े नेता, हमारे सांसद, हमारे पदाधिकारी कर रहे हैं और इसकी यूटिलिटी क्या है, उपयोग क्या है और हमने 9 सालों में क्या किया, हम ये बता रहे हैं। महंगाई की बात आ रही है, हम 3 सिलेंडर गरीबों को मुफ्त में दे रहे हैं। ये तो हमारी सरकार ने कुछ सोच समझ के निर्णय लिया होगा। तो वापस क्यों ले रहे हो? छपाई में भी कॉस्ट आया होगा, दोबारा जो इकोनॉमी को लॉस हुआ है वो। देखो एक चीज, खुद RBI ने कहा 95% नोट जो है
वो चलन में नहीं है। देखो हमारी सरकार ने जनहित में निर्णय लिया है और इसके परिणाम आपको। यह उत्तराखंड के वन मंत्री जिनके जिम में वन विभाग की पूरी भागडोर है। यहाँ उत्तराखंड में पिछले 5 महीनों में 12 बाघों की मौत हो चुकी है। कुमाऊं मंडल की सेंट्रल तराई क्षेत्र में आंकड़े बढ़े हैं। लगातार बाघों की मौत को लेकर जब पत्रकारों ने सवाल वन मंत्री सुबोध उनियाल से किया तो उनका कहना कुछ और ही था। उनका जवाब है कि मनुष्य जन्म लेता है तो उसकी मृत्यु भी होती है। उनके इस बयान से ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई धर्मगुरु प्रवचन दे रहा हो। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब जिम्मेदारी लेने वाला ही इस तरह से बयान दे तो आखिरकार बाघों का संरक्षण कैसे हो सकता है। गौरतलब हो कि 2018 की गणना के अनुसार प्रदेश में बाघों की संख्या 442 थी। इस साल बाघों की मौत का पहला मामला जनवरी में कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में हुई। 2001 से 2023 तक राज्य में कुल 181 बाघों की मौत हो चुकी है, जिनमें शिकार, दुर्घटनाएं, जंगल की आग, आपसी संघर्ष, जाल में फंसकर मौत के मामलों को दर्ज किया गया। जो आप कह रहे हैं, देखिए मनुष्य जीवन में भी जो मनुष्य पैदा हुआ है उसको मरना, और एक दुर्भाग्यवश अल्प समय मर जाते हैं दुर्घटनाओं से, और एक उम्र प्राप्त करके मरते हैं। तो अभी तक जो बाघों के मरने की खबरें हैं वो ये हैं कि वो वृद्ध हो गए थे, और वृद्ध होने के बाद क्योंकि वो अपना शिकार नहीं कर पाते, उस दृष्टि से उनकी मौत हुई है। कॉर्बेट में शिकारियों का भी अंदेशा है सर, क्योंकि देखिए उसमें हम लोग लगातार इस पे जो एंटी पोचिंग हमारा सेल है वो बहुत तेजी से काम कर रहा है, और उस पर हम लोग बहुत गंभीरता से काम कर रहे हैं। बीच में कुछ लोग पकड़े भी गए, और आज भी हम लोग ड्रोन टेक्नोलॉजी और कैमरा ट्रैप करके इस तरह की चीजों को रोकने का। तो मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर बीजेपी द्वारा देश भर में लोकसभा क्षेत्र में विशेष संपर्क अभियान चलाया जा रहा है। जनसंपर्क अभियान के तहत उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों का प्रभारी गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री नितिन पटेल को बनाया गया। उसके तहत नितिन पटेल हरिद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने उत्तराखंड की सभी लोकसभा सीटों पर विशेष जनसंपर्क अभियान के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि देश की जनता की भलाई के लिए जितने भी कड़े कानून बनाने होंगे उसे मोदी सरकार बनाने से कभी पीछे नहीं हटेगी। वही साधु संतों द्वारा धार्मिक स्थानों पर महिलाओं के छोटे वस्त्र पहनने पर पाबंदी लगाने की मांग उन्होंने समर्थन दिया। अब नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में इतना सक्षम, इतना शक्तिशाली, इतना लोकप्रिय हो चुका है कि देश के जो हमारे विपक्षी पार्टियां है वो दो चार मिलके तो हमारे सामने लड़ ही नहीं सकती। उनकी कोई हिसाब पार्टी का प्रजा में विश्वास नहीं है, तब जाके वो सोचते हैं कि हम सब इकट्ठा होंगे तो ही थोड़ा तो थोड़ा हम भाजपा का सामना कर सकेंगे। सभी पार्टियां, फिर वो वामपंथी हो, समाजवादी हो, कांग्रेस हो, या आम आदमी पार्टी हो, या कोई भी पार्टी हो, सबको। तो विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर पश्चिमी पिंडर रेंज और अस्वेड सिमली रेंज के वन कर्मियों के द्वारा कार्यक्रम आयोजित कर फलदार पौधों का रोपण किया गया। वहीं इस अवसर पर वन और पर्यावरण को बचाने के लिए संकल्प लेते हुए लोगों को जंगल और पर्यावरण को संरक्षित करने का संदेश दिया गया। तो विश्व पर्यावरण दिवस वन कर्मियों ने कार्यक्रम का आयोजन किया। आज के दिन विभिन्न प्रजाति के पौधों का भी रोपण किया गया है, और विश्व पर्यावरण दिवस बड़े ही धूमधाम से आज के दिन मनाया गया, जहां वन कर्मियों ने कार्यक्रम आयोजित किया है, विभिन्न प्रजाति के पौधों का रोपण भी किया, और आज का दिन बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। उत्तरकाशी पुरोला में नाबालिग लड़की को समुदाय विशेष के युवक द्वारा भगाने के असफल प्रयास के बाद भड़का जन आंदोलन थमने का नाम नहीं ले रहा, जिसके बाद समुदाय विशेष के लोगों की दुकानों पर अज्ञात लोगों द्वारा 15 जून तक दुकान खाली करने के पोस्टर चस्पा दिए गए। पोस्टरों पर 15 जून को महापंचायत होने की बात भी लिखी गई। पोस्टर पर लिखा है कि लव जिहातियों को सूचित किया जाता है कि दिनांक 15 जून 2023 को होने वाली महापंचायत होने से पूर्व अपनी दुकानें खाली कर लें, अगर ऐसा नहीं किया तो वो वक्त पर निर्भर करेगा। जिसके भी द्वारा यह कार्य किया गया वो निंदनीय है, उसका हम बहुत बड़ा विरोध करते हैं, और मैं अपील करूंगा अपनी जितने भी मेरे हिंदू संगठन के लोग हैं कि शालीनता से काम करें। हम लोग सनातनी लोग हैं, और सबसे बढ़िया बात हमारी ये है कि हम सबको साथ लेके चलते हैं,
और ये जीने की शैली है। तो मैं एक बात कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि इस प्रकार से अगर उत्तराखंड में कोई बात होती है तो इनको तो निकालना तो पड़ेगा ही, बाहर तो करना ही पड़ेगा अगर ऐसे कृत्य करते हैं। और फिलहाल मेरी अपील है अपने बंधुओं से, अपने भाइयों से कि शालीनता का परिचय दें इन शब्दों के साथ। और ये जो नव जिहाद का जो मामला चल रहा है इसके लिए कठोर कानून बनना चाहिए। कल देर रात्रि में पुरोला थाना के क्षेत्रांतर्गत जो है कुछ असामाजिक और शरारती तत्वों ने कुछ पोस्टर चिपका दिए थे, उसका तत्काल संज्ञान लेते हुए पुलिस ने वो पोस्टर हटा दिए गए हैं और जो है इसकी जांच की जा रही है कि ये किसने लगाए हैं, उस पर जो है अग्रिम विधिक कार्रवाई जो है की जाएगी। और जो है पुरोला की स्थिति को देखते हुए वहाँ पे पुलिस फोर्स अलर्ट है और जो रात्रि गश्त बढ़ा दी गई है और पुलिस फोर्स भी वहाँ बढ़ा दी गई है और पुलिस फोर्स। तो आरटीओ नगर पालिका परिषद मसूरी और पुलिस द्वारा आज नो पार्किंग जोन में खड़े टैक्सी स्कूटी वाहनों के खिलाफ संयुक्त अभियान चलाया गया, जिसमें नो पार्किंग जोन में खड़े टैक्सी स्कूटियों को नगर पालिका के वाहनों द्वारा नगर पालिका प्रांगण में ले जाया गया। इसके बाद टैक्सी स्कूटी संचालकों में हड़कंप मच गया। इस अवसर पर एआरटीओ राजेंद्र गुलाटिया ने बताया है कि परिवहन विभाग द्वारा कमी स्कूटियों को जब्त किया गया है और उनके लाइसेंस और पार्किंग स्थल को देखा जा रहा है। यदि कमी पाई जाती है तो ऐसे लोगों का लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा जिनके पास पार्किंग की सुविधा नहीं होगी। अभी जैसे टू व्हीलर टैक्सी जो यहाँ पर चल रही थी, अभी सभी के लाइसेंस चेक किए जा रहे हैं और जितनी पार्किंग इन्होंने दिखाई थी अपने लाइसेंस के समय, अभी सभी के लाइसेंस में चेक किया जा रहा है। जिनके पास अपनी पार्किंग व्यवस्था नहीं है उन सभी गाड़ियों को हम जब्त कर रहे हैं। अभी तक हमने 4 गाड़ियों को जो है जब्त कर लिया है और अब ये कार्यवाही चली गतिमान है। सर, लगातार लोगों ने जो है स्कूटियाँ तो ले ली लेकिन उनके पार्किंग नहीं है, पार्किंग बहुत बड़ी समस्या है, काफ़ी जाम की स्थिति हो जाती है इसको लेकर, आगे किस तरीके की कार्रवाई होगी आपकी? नहीं, अब ये कार्यवाही रेगुलर चलती रहेगी और इस तरह की ये जितनी भी गतिविधियाँ हैं इसको हम चलाते रहेंगे और गाड़ियों के वाहनों को जो हम अभी जब्त करते रहेंगे। देखिए, प्रशासन की ओर से ये संयुक्त रूप से कार्रवाई की जा रही है जिसमें प्रशासन की टीम होगी, आरटीओ की टीम होगी, प्रशासन की टीम होगी, हमारे द्वारा ये क्योंकि इस समय यात्रा सीजन चल रहा है, पर्यटन सीजन चल रहा है, जो बेतरतीब लोगों के द्वारा गाड़ियां वाहन खड़े कर रहे हैं उनको लगातार हमारे द्वारा क्वेश्चन किया जा रहा है। और आज भी इस क्रम में संयुक्त कार्रवाई में जो अवैध रूप से गाड़ियाँ खड़ी कर रखी हैं, गलत पार्किंग में गलत रूप से गाड़ियाँ खड़ी कर रखी हैं, बिना पार्किंग गाड़ियाँ खड़ी कर रखी हैं जिससे यातायात बाधित अवरुद्ध हो रहा है उन वाहनों को। तो सल्ट अल्मोड़ा जिले के विकास खंड सल्ट में महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को क्षेत्र जनप्रतिनिधि ने अतिक्रमण को लेकर ज्ञापन सौंपा। क्षेत्र के जनप्रतिनिधि का कहना है कि उत्तराखंड सरकार ने लगातार पर्वतीय क्षेत्र में अतिक्रमण के नाम पर अनावश्यक रूप से लोगों के आवास और रोजगार को खत्म किया जा रहा है। उन्होंने कहा, सल्ट क्षेत्र में लोगों ने बड़ी मुश्किलों से सड़क के किनारे छोटी छोटी जमीन खरीद कर या पुश्तैनी जमीन पर अपना रोजी रोटी और रहन सहन की व्यवस्था की है। पूर्व भगत सिंह कोश्यारी जी को एक ज्ञापन दिया है कि जो सरकार द्वारा पूरा पर्वतीय क्षेत्रों में लोगों के बनाए हुए दुकान, रोजगार और आवासीय भवनों का जो बिल्डोजर चलाने का एक सिलसिला जारी किया है उसके खिलाफ हमने एक ज्ञापन दिया है कि जो सरकार पर्वतीय क्षेत्र और मैदानी क्षेत्रों में जो एक पीडब्ल्यूडी के मानक है उनमें शिथिलता लाए, क्योंकि शहर की तरफ लोगों का भीड़ भाड़ ज़्यादा हो रहा है, लोग प्लान ज़्यादा कर रहे हैं नीचे की तरफ और पहाड़ खाली हो रही हैं, वही सड़कें जो है पहाड़ के मानकों में भी आपने वही लेके आए। तो हमारा मानना है, हमारी मांग है कि तत्काल सरकार पीडब्ल्यूडी के मानकों में शिथिलता लाए पर्वतीय क्षेत्रों में, यदि पहाड़ में लोगों को रहने देना है तो, और अगर पहाड़ में लोगों को नहीं रहने देना है तो लोगों के आवास उजाड़ो, दुकान छोड़ो, रोजगार खत्म करो और लोगों को पलायन के लिए मजबूर करने का जो सिलसिला उसके खिलाफ हमने ज्ञापन दिया है। आश्वासन तो खैर उन्होंने कुछ नहीं दिया है लेकिन ज्ञापन लिया है और हम उम्मीद और आशा कर सकते हैं कि उन्हीं का चेला ही कह सकते हैं कि माननीय पुष्कर सिंह धामी जी उनके मुख्यमंत्री हैं, तो उम्मीद है कि जरूर उनकी बात को वहाँ पर सुना जाएगा और निश्चित पर्वतीय क्षेत्रों के हितों में निर्णय लिया जाएगा, यह वहाँ से उम्मीद कर सकते हैं। द्वारा विशाल सल्ट से मिलन किया गया, इसमें आज के मुख्य अतिथि भगत सिंह माननीय पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड और पूर्व महाराष्ट्र के थे भगत सिंह कोश्यारी जी, तो आज यहाँ पर विशाल सल्ट से मिलन किया। एक सल्ट श्रेष्ठ सल्ट और नेक सल्ट का जो संकल्प बड़े भाई जीवन सिंह रावत जी द्वारा लिया गया, आज हमें यहाँ देख करके ऐसा लगा कि वो हमारा सपना जो है एक सल्ट का, श्रेष्ठ सल्ट का, वो साकार होने जा रहा है। और एक हमने जोत जला दी है, बड़े भाई जीवन सिंह जी ने जोत जला दी है और हम सबका अभी दायित्व बनता है कि हम इस सल्ट को साक्षर बनाए, श्रेष्ठ बनाए और नेक बनाए।
सल्ट का खेत हम उत्तराखंड के लिए नहीं, पूरा देशवासियों के लिए एक प्रेरणा का केंद्र है। ये यहाँ जितने लोगों ने स्वतंत्रता के लिए बलिदान दिया वो अविस्मरणीय है। यहाँ इसको एक प्रकार से पूरे कुमाऊं या उत्तराखंड की बारडोली के नाम से जाना जाता है। तो ऐसे क्षेत्र में जब कोई यहाँ के सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। मुझे कहा गया कि यहाँ एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है, आया और देख करके बहुत अच्छा लगा और हमारी संस्कृति आगे जिंदा रहे इसके लिए हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री जी रात दिन प्रयास कर रहे हैं। मेरा विश्वास है कि निश्चित रूप से यहाँ के लोग ऐसे कार्यक्रम करते रहेंगे और हमारे बच्चे। भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और उत्तराखंड की सह प्रभारी रेखा वर्मा और केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट हल्द्वानी पहुंचे, जहां पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने भाजपा के महाजनसंपर्क अभियान के बारे में जानकारी दी और पीएम मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार को 9 साल पूरे होने पर उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा कि इस जनसंपर्क अभियान में भाजपा का प्रत्येक कार्यकर्ता डोर टू डोर संपर्क करेगा। वहीं इस दौरान सह प्रभारी रेखा वर्मा 2000 के नोट बंद करने के फैसले पर कहा कि सरकार द्वारा कुछ सोचकर ही यह फैसला लिया गया, इसका फायदा ही होगा और दुर्गामी परिणाम सामने आएंगे। आज पूरे देश में इसी तरह जैसे प्रश्न यहाँ पर भी अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग दिवस पर हमारे बड़े नेता, हमारे सांसद, हमारे पदाधिकारी कर रहे हैं और इसकी यूटिलिटी क्या है, उपयोग क्या है और हमने 9 सालों में क्या किया हम ये बता रहे हैं। महंगाई की बात आ रही है, हम 3 सिलेंडर गरीबों को मुफ्त में दे रहे हैं, ये सब आपको पता है, 3 सिलेंडर मुफ्त में दे रहे हैं। मॉर्गन स्टैनली जो वित्त के बारे में विश्व को पूरा संदेश देती है, सर्वे करती है देशों का, उसके बाद डिक्लेयर करती है कि किसकी क्या स्थिति है। उसने पहली बार भारत की तारीफ की है, आज तक कभी किसी ने भारत की तारीफ नहीं की है कि भारत की वित्तीय स्थिति बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। आपने महंगाई के बारे में पूछा है, विश्व की जो अभी सर्वे हुई है सबसे कम महंगाई भारत में है और पेट्रोल और डीजल की कीमत सबसे कम भारत में है, क्योंकि जो रशिया और यूक्रेन की लड़ाई के कारण इन सारी चीजों में एक किस्म से उछाल आया है उसको भारत ने रोक के रखा है। ऐसी स्थिति में भी हम विश्व की 5वीं आर्थिक स्थिति बन गए हैं, 5वीं आर्थिक ताकत बन गए हैं। कि अभी आपको मैंने बताया है कि आज पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था में हमारा 5वां स्थान है। हम जो चीजें हैं, हम ऐसा नहीं है कि एक दो चीज़ों में है दिक्कत हमको, लेकिन उसको भी हम लोग बैठ के उसको उसका भी कुछ ना कुछ हल निकालेंगे। इस तरह से आज आप देख रहे हो कि हम बहुत सारी योजनाएं चला के हमारे प्रधानमंत्री जी नीचे तक जनता को लाभ देने का प्रयास कर रहे हैं और उनका लाभ भी मिल रहा है। ऐसा नहीं खाली हम योजनाएँ चला रहे हैं और हम उसकी समीक्षा नहीं कर रहे हैं, आप गाँव जाते हैं, आपको जानकारी भी है कि हमारी जितनी योजनाएँ चल रही हैं 80% से लेकर 90% लोगों को लाभ मिल रहा है उसका। तो आज हम बहुत अच्छा और बेहतर कार्य कर रहे हैं, पूरी जनता हमारे साथ खड़ी है। देखिए हमारा जो ये महासंपर्क अभियान जो चल रहा है वो हमारा 30 मई से लेकर 30 जून तक चलेगा और इस बीच में हम बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम करने वाले हैं, उसमें एक हमारा ये प्रेस का भी कार्यक्रम था, दूसरा सोशल मीडिया, हमारा प्रबुद्ध सम्मेलन, हमारा युवा मोर्चा का एक कार्यक्रम रहेगा। इस तरह से हमने 8-9 कार्यक्रम लिए हैं और एक महारैली होगी हमारी। उत्तराखंड चिकित्सा विभाग में आपसी तालमेल न होना अब कर्मचारियों और अधिकारियों पर भारी पड़ता नजर आ रहा है। इसकी बानगी उस वक्त सचिवालय में देखने को मिली जब सचिव से मिलने पहुंचे चिकित्सा शिक्षा विभाग के कर्मचारियों ने सचिव से जहां अपनी समस्याएं रखी वहीं उन्होंने दूसरी ओर स्वास्थ्य महानिदेशक पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनकी माने तो ये सभी कर्मचारी पहले स्वास्थ्य विभाग के थे लेकिन चिकित्सा शिक्षा विभाग बनने के बाद कई लोगों को इससे विभाग के अंतर्गत कई सरकारी मेडिकल कॉलेजों में संबद्ध कर दिया गया, लेकिन अचानक स्वास्थ्य महानिदेशालय द्वारा इन सभी कर्मचारियों को कर्मचारी अभाव का हवाला देकर वापस महानिदेशालय बुलवाया गया जिसकी जानकारी सचिव को नहीं है। और ऐसे में कर्मचारियों को जहां ये नहीं मालूम कि उनका वेतन कौन देगा वहीं दूसरी ओर उनके प्रमोशन पर भी सवाल खड़े हो गए हैं।
हम लोग नर्सेज एसोसिएशन के पदाधिकारी हैं। मैं प्रांतीय अध्यक्ष मीनाक्षी जखमोला और हमारे साथ है प्रांतीय महामंत्री कांति राणा और हमारी प्रांतीय कोषाध्यक्ष विद्या चौबे। हम लोग एक प्रकरण है कि जो ये चिकित्सा शिक्षा विभाग और चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग के बीच में चल रहा है तनातनी की वजह से, बिना तालमेल की वजह से, बिना पदों को स्थानांतरित किए हुए चिकित्सा शिक्षा विभाग यानी कि जिसमें दून मेडिकल कॉलेज और अल्मोड़ा और श्रीनगर थे, इन लोगों ने क्या किया कि एक तरफा कार्य मुक्त कर दिया कुछ नर्सिंग कर्मियों को तत्काल प्रभाव से, और कहा कि चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग से ही बार बार पत्र आ रहा था कि हमारे लोगों को भेजो भेजो भेजो, लेकिन चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग में जो महानिदेशक हैं उन्होंने ना ही इसकी कोई तैयारी की थी, किसी प्रकार के पदों का चिन्हीकरण नहीं हुआ, पद कैसे बटेंगे कहां जाएंगे इस पर कोई व्यवस्था नहीं करी। 2 महीने से हमारे लोग बिना पद के बिना वेतन के परेशान हो रहे हैं। अभी तक शासन में आते हैं तो कहते हैं निदेशालय वालों को बोलो, निदेशालय में जाते हैं तो कहते हैं शासन को बोलो, मंत्री जी के पास जाते हैं तो कहते हैं उनको बोलो, इधर से उधर केवल कोई इसको कह रहा है उसको कह रहा है, इस बीच में हमें कहीं पर भी न्याय नहीं मिल रहा और हमारे लोग बहुत परेशान हो रहे हैं। 27 तो हम लोग सिस्टर स्टाफ लोग थे, उनमें से रिटायरमेंट वाले भी थे, किसी को रिवर्ट किया गया। और नहीं, अभी दून मेडिकल कॉलेज से बोल रही हूँ, जो कि 2016 से हम लोग मेडिकल कॉलेज को हेल्थ वाले जिला चिकित्सालय वाले हेल्प कर रहे थे, जो भी इनके आपस की तालमेल का जो प्रणाली थी उसमें थे, और ऑल ऑफ सडन ये हमको 2023 में एक लेटर इशू करते हैं कि तत्काल प्रभाव से एक साइट को स्थानीय चार्ज देते हुए आप जाइए। और कहाँ जाइए? मूल विभाग महानिदेशक स्वास्थ्य में। हम वहाँ जाते हैं तो वहाँ कोई कहते हैं हमारे पास लिस्ट नहीं आई, कोई चिट्ठी नहीं आई, कोई लेटर नहीं आया, आपको कैसे हम लें। फिर जैसे कैसे करके उन्होंने हमें एक रजिस्टर दे के 1-1.5 महीने वहाँ रखा। उसके बाद फिर हमने बोला भाई हमें CL चाहिए, EL चाहिए, GPF चाहिए, अपनी जगह चाहिए, हम लोग किसके कारण आज जो स्थिति हुई। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस पूर्व सैनिक विभाग के प्रदेश अध्यक्ष कैप्टन बलवीर सिंह रावत ने कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता अवकाश प्राप्त मेजर वेद प्रकाश के आकस्मिक निधन पर शोक व्यक्त करते हुए उनके परिजनों के प्रति गहरी संवेदना प्रकट की है। उन्होंने कहा कि मेजर वेद प्रकाश ने देश की सेवा के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित करते हुए एक अनुशासित सैनिक के रूप में हमेशा देश की सेवा की, और लंबे समय से कांग्रेस पार्टी के पूर्व सैनिक विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में उन्होंने कांग्रेस पार्टी से पूर्व सैनिक एवं सैनिक परिवारों को जोड़ने का काम भी किया। वहीं बालासोर रेल हादसे पर सभी पूर्व सैनिकों एवं कैप्टन बलबीर सिंह रावत ने शोक संवेदना व्यक्त की है। कांग्रेस पार्टी में पूर्व सैनिक विभाग की एक बहुत बड़ी अहमियत है, और कई सालों से पूर्व सैनिक विभाग कांग्रेस पार्टी को मदद, मेन बॉडी को मदद देता है। इसी क्रम में हमारा जो हेडक्वार्टर है दिल्ली 24 अकबर रोड में, वहाँ पे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और स्टाफ बैठता है, उसी में से हमारे मेजर वेद प्रकाश जो लंबे समय से कांग्रेस से जुड़े हुए थे, उनका परसों निधन हुआ 3 तारीख को। और हमें जब सूचना मिली थी हमें ये महसूस हुआ कि हमारे बीच से एक आदमी जो की स्थिति में हम लोगों को भी बहुत बुरा लगा, इसलिए हमने आज जो है शोक सभा का आयोजन किया उनकी आत्मा की शांति के लिए। और हम आपके माध्यम से भी ये कहना चाहते हैं कि देश में जो ट्रेन हादसा हुआ उस पर भी हम शोक व्यक्त करते हैं पूर्व सैनिक विभाग की तरफ से, और मेजर वेद प्रकाश जी को भी, उनको परिवार को उनके गम और सदमे के बीचों की शक्ति सहन करने की शक्ति प्रदान। वहीं हरिद्वार में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम से रंगदारी मांगने वाले 2 लोगों को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। आरोपी ने चोरी के फोन से हरिद्वार के एक हार्डवेयर कारोबारी और रायवाला के 2 व्यापारियों से रंगदारी मांगी थी, साथ ही रंगदारी न देने पर जान संभालने की धमकी भी दी। पुलिस की गिरफ्त में आए दोनों आरोपियों में से एक चाय की ठेली लगाता है जबकि दूसरा गंगा में सिक्के बिनने का काम करता है। मार्च महीने में कारोबारियों से 20 लाख की रंगदारी मांगने के बाद आरोपियों ने 2 दिन पहले दोबारा कॉल भी की। आरोपियों ने पुलिस को बताया कि आरोपियों के नंबर उन्होंने दुकान पर लगे बोर्ड से लिए थे। रूप से जो है रंगदारी की डिमांड की गई थी, इस पर इन्होंने सूचना पुलिस को दी थी, पुलिस द्वारा इसमें एक्सटॉर्शन का मुकदमा दर्ज किया गया था। साथ ही साथ जब इन्वेस्टिगेशन चल रही थी पता चला ये मोबाइल जो नंबर जिसे फोन किया गया था वो राजस्थान क्षेत्र में किसी व्यक्ति का था। पुलिस टीम जो राजस्थान पहुंच के वेरीफाई करती तो पता चलता उनका मोबाइल जो है कुछ दिनों पूर्व भी खो गया था, और इसकी सूचना इन्होंने वापस आने के बाद दी थी। 2 तारीख को
फिर से व्यापारी के पास कॉल आती है, उनके द्वारा अन्य नंबर से कॉल की जाती है और इस बार डिमांड करने के बाद जगह बताई जाती है कि और नेतृत्व को परिवार को जान से मारने की धमकी दी जाती है। इस पर हमने विशेष टीम बनाई थी, चूंकि 3 मुकदमे दर्ज हो गए थे और इस विशेष टीम के जो सुरागरसी की गई उसमें हमने 2 लोग को इस पर अरेस्ट किया है जो तथाकथित रूप से लॉरेंस विश्नोई गैंग का बताकर एक्सटॉर्शन की कॉल कर रहे थे। इनके द्वारा रेकी करके हरिद्वार और रायवाला क्षेत्र के व्यापारियों की इन्फॉर्मेशन। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल मैं इस देश प्रदेश के तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ।